जहां जरूरी है वहां करें आप, मगर जहां इल्म ज्यादा मिलने का अंदेशा हो, ज्यादा मिलने का क्या कहते हैं उम्मीद हो, वहां पर आप कहेंगे आप बता दीजिए बहुत अच्छा रहेगा। ये अखलाक का तरीका है, क्योंकि इसमें ज्यादा चांसेस है कि अगर आपको उस बात के उस पॉइंट के तरफ, उस नुक्ते के तरफ से अगर दो बातें मालूम है तो सामने वाला तीन बातें बयान कर दे तो एक बात का इजाफा हो जाएगा। अगर आप जवाब दे दें तो सामने वाला खामोश हो जाए, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, तो तीसरी बात से महरूमी है। तो सहाबा कराम क्या कहते थे, अल्लाह रसूल आलम, अल्लाह उसका रसूल बहुत बेहतर जानते हैं। قال يا أبا المنذر لا تدري أي آية من كتاب الله معك أعظم। फिर तो उबै बिन काब कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे यही सवाल किया कि ऐ अबल मुंदिर, क्या तुम्हें मालूम है अल्लाह की किताब में अजमत वाली आजम आयत कौन सी है, आयत आजम कौन सी है, क्या तुम्हें मालूम है? दो बार सवाल किया। अब मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां कोई खास बात बयान करनी होती और फीडबैक लेकर बयान करना हो तो दोबारा सवाल करते थे। एक ही हदीस से कोई यो नुकात निकाल सकता हूं मैं, इस्तदलाल कर सकता हूं, बहुत से नसीहतें मिल सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार सवाल किया, कहा सहाबी नहीं अल्लाह उसका रसूल बहुत बेहतर जानते हैं, तो आप सब जवाब दे सकते हैं। फिर से सवाल कर रहे हैं, क्यों? जवाब जो है वो सामने वाले के फीडबैक के ऊपर डिपेंड है, हो सकता है सामने वाले के इल्म कितना है उसके मुताबिक जवाब।